हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही शानदार रेसिपी है और किसी भी मौके से बनाने के लिए बिल्कुल फिट रेसिपी है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 केजी लिया है चिकन, और इसको हमें थोड़ा मैरिनेट करना है, तो मैंने लिया है 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ लिया है 2 चम्मच नमक लिया है, और टी स्पून से लिया है मैंने 2 टी स्पून, और 1 टी स्पून लिया है हल्दी, और 1 टी स्पून लिया है पिसी हुई लाल मिर्च। इसके साथ चिकन को अब मैरिनेट कर लेते हैं 10-15 मिनट के लिए। हाथ से अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करेंगे, और इसके बाद हमें बनाने से चिकन में अच्छा सा कलर आ जाता है। और खुशबू के लिए लिया है 1/2 टी स्पून से जीरा, 1 टी स्पून सफ़ेद जीरा, और 4-5 मैंने लौंग लिया है, और जायफल का टुकड़ा लिया है मैंने छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लेंगे जायफल का, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इसकी जो तेज स्मेल होती है। और इसके साथ जावित्री लिया है छोटी सी पत्तियाँ, और 6-7 मैंने लिया है इसमें कबाब चीनी, और छोटे से लिया है दालचीनी का टुकड़ा, और 4-5 लिया है छोटी इलायची, और सबसे लास्ट में मैंने जो लिया है वो शाह जीरा है। अब शाह जीरा नहीं डालना है तो नहीं डालें, बाकी चीज़ों को डाल दें, और इसको थोड़ा सा बारीक पीस लें मिक्सर ग्राइंडर में, और फिर इसको हमें चिकन में यूज़ करना है। 1/2 केजी मैंने प्याज लिया था, और इसमें 3 बड़े चम्मच मैंने लिया है सरसों का तेल, मैंने इसमें सरसों के तेल में मैंने बनाया है, आपके जिसमें मर्जी हो उस तरह के बना लें, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसके बाद इसमें 1/2 प्याज को मैंने डाल दिया है, 1/2 प्याज को अभी रखा हुआ है, इसको हमें फ्राई करना है। जैसे ब्राउन करके निकाला जाता है उसी तरह से हमें इसको ब्राउन करके निकाल लेना है, तो इसको चलाते हुए गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम करते हुए हमें प्याज को ब्राउन कर लेना है। इसमें थोड़ा सा रह भी जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें फिर से इसको प्याज इसमें डालना ही है, तो जो बाकी प्याज है वो इसमें डाल देंगे, और फिर इसको भी हमें लाइट सा ब्राउन करेंगे। अब जितना पहले डार्क ब्राउन सा किया था उतना नहीं करेंगे, हल्का सा पिंक सा रखेंगे इसको, इससे जैसे हमारी ग्रेवी में अच्छा कलर आता है। तो ये हमारा कलर हो गया। इसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं, तो मैंने 3-4 इसमें लौंग, 3-4 इलायची लिया है, और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है, और बाकी मसाले मैंने पीस दिए हैं उसको, और इस तरह से कलर आ गया है। और इसमें लिया है मैंने 3 चम्मच लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो 2 पीस लहसुन 3 चम्मच मैंने लहसुन अदरक अच्छी तरह साफ कर लें, साथ उसको डाल के यूज़ कर लें। अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो आप 2 अदरक का टुकड़ा ले लें, 2 लहसुन को मिलाकर पीस लें, लहसुन की जो होते हैं उसको। अब इसमें मसाले को हमें डालना है, मैंने लिया है 4 चम्मच लिया धनिया पाउडर, 2 चम्मच लिया जीरा पाउडर, 1 जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, और 2 टेबल हल्दी और 2 टेबल स्पून लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ लेंगे 1 टेबल स्पून सारे मसालों को डालेंगे, और नमक लिया है इन सब सारी चीज़ों को इसके साथ डाल देंगे, और इतना नमक इसमें काफ़ी था, बिल्कुल गैस का फ्लेम लो करेंगे, और उसको कवर करके बीच में चलाते हुए भूनेंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे जिससे मसाला अच्छी तरह से पक जाए, और इसके बाद अच्छी से खुशबू आने को डाल देंगे, थोड़ा सा पानी भी डालें इसमें, और मसाला भी अच्छी तरह से करेंगे, और बाद में चिकन भी चलाते हुए मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये मसाला हमारा वन साइड भून जाएगा, और चिकन को हमें वन साइड एक साइड हमें दूसरी तरफ इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया है, और थोड़ा थोड़ा सा चिकन डालकर गैस का फ्लेम हाई करते हुए चिकन का पानी सूखता जाएगा और थोड़ा सा फ्राई होता जाएगा, ऐसे करके हमें चिकन को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके निकाल लेंगे। ऐसे करके बनाने से चिकन मसाले में अच्छी तरह से भून पाता है, क्योंकि यह चिकन ज़्यादा है, अगर एक साथ मसाले में भूनूंगी तो मसाले में अच्छी तरह से भून भी नहीं पाएगा और चिकन पहले ही गल जाएगा। तो दोनों को अलग अलग से भूनकर बनाने से अच्छा सा आराम से मसाले के साथ भून भी जाता है, और अच्छा फ्लेवर भी आता है, और चिकन में अच्छा सा कलर भी आता है, तो इसमें अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है इस तरीके से। और ये हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से भून गया है, देखने से लग रहा है अच्छा कलर आ गया है। तो जो इसमें हमने प्याज ब्राउन किया था उसको भी पीस के मैंने डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर में, चला लिया था बस। अगर आपको पानी डाल के पीसना हो थोड़ा सा पानी भी डाल लें तो इससे कोई मसला नहीं है। और इसके बाद ये जो खुशबू वाले मसाले थे उसको भी डाल देंगे, सारी चीज़ों को डाल दिया इसमें। और इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ के का टमाटर भी डाला था, बिल्कुल बारीक काट के, पीस के नहीं डालना है, बिल्कुल बारीक काट के डालकर इसको भी मसाले के साथ भून लेंगे। इसमें क्लिप में आ नहीं पाया है तो इसमें मैं बता दे रही हूँ, इसमें ना दही भी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा टमाटर भी नहीं डालना है, और जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तभी चिकन को डालना है। इस तरह से चिकन को डाल देंगे, और जितना चिकन फ्राई किया था सब चिकन को एक साथ डालेंगे, और अभी भी इसमें थोड़ा सा लगेगा कि चलाने में मुश्किल हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा 1/2 कप पानी डाल दें, और गैस का फ्लेम मीडियम करते हुए इसको भून लें। भूनने में 10-15 मिनट लग जाएगा, क्योंकि चिकन अभी गला नहीं है, तो आराम से मसाले के साथ ये भून जाएगा। तो आप गैस को बिल्कुल मीडियम करते हुए आराम से चिकन को भून लें,
और अच्छा सा कलर आ जाने दें, चिकन के पीसेस भी अच्छा सा कलर आ जाए और चिकन थोड़ा सा गल भी जाए तो अच्छा सा बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाएगा जो ग्रेवी होगी उसमें भी। अभी हमारा चिकन भुन गया है मसाले के साथ भी, और मसाला अच्छी तरह से पहले से भी भुना हुआ था तो कोई इसमें डाउट भी नहीं है कि कम भुना है या ज़्यादा भुना है। अब सब हमें 50% तक हमारा चिकन भी गल गया है मसाले के साथ, अब हमें 50% तक और इसको हमें पानी के साथ शोरबे के साथ इसको पकाना है। तो थोड़ा सा हरी धनिया ज़रूर डालें और नमक को भी लास्ट में ज़रूर टेस्ट कर लें और इसमें ग्रेवी अपने हिसाब से डाल लें। ये ग्रेवी वाला ही चिकन है, शोरबे वाला चिकन बोलते हैं, तो इसके साथ रोटी, इसके साथ तंदूरी रोटी या पुलाव के साथ इसको सर्व किया जाता है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल चिकन की रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। और उसको 10-15 मिनट के लिए उसको पकने दें, 10-15 मिनट में हमारा ये ग्रेवी वाला चिकन तैयार हो जाएगा जो काफ़ी खुशबूदार है और इसमें बाहर से कोई भी मसाला नहीं डाला गया है खुशबू के लिए। ये अपने आप में बहुत ही कंप्लीट रेसिपी है और इसको आप किसी भी ओकेज़न पे बनाएं और आपके घर को, घर के लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर और कमेंट भी करें। चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।